बाज़ार में तरोइयाँ आना शुरू हो चुकी हैं, बहुत ही पतली पतली अभी तरोइयाँ आ रही हैं जो एक्चुअल में भरने वाली तरोइयाँ हैं। अगर आप तरोइयाँ भर के बना रहे हैं ना, तो जो पतली पतली तरोइयाँ होती हैं उन्हीं को भर के बनाया जाता है, मोटी मोटी वालों को नहीं बनाया जाता है, तो स्वाद उसमें बढ़कर आता है बहुत अच्छे से। तो ये देखी हैं तरोइयाँ, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश तरोइयाँ थी, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है तो पूरा पानी भी सूख गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश डंठल भी इसकी लगी हुई है, बहुत ही फ्रेश तरोइयाँ ये थी। और मैंने सारे मसाले प्लेट में सजा लिए। तो सबसे पहले तो वेलकम है आपका बिटीज़ किचन में, बहुत ही बढ़िया भरवा तरोइयाँ हम बनाएंगे, जिनको आप चावल के साथ खाइए, सूखी नहीं है तो पराठों के साथ खाइए, दाल बना लीजिए साइड में और उसके बाद उनको रोटियों के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। और थोड़ी सी हटके हैं लेकिन बहुत ही गजब बनती है, यकीन मानिए हमारे यहाँ इसी तरह से बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपके यहाँ तरोइयों को क्या बोलते हैं लोकल में, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको तरोइयाँ ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने धनिया लिया, धनिया मैंने 3 टेबल स्पून लिया हुआ है, और मैंने जो जीरा है वो जीरा लिया हुआ है लगभग 1.5 टेबल स्पून, और जो कलौंजी है वो 1/2 टेबल स्पून लिया हुआ है, जो सौंफ है सौंफ लिया हुआ है, सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी यहाँ पर। और 15 मैंने मूँगफली के दाने लिए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने खटाई ली हुई, तो ये खड़ी खटाई है और अमिया की जो खटाई होती वो है, और अगर आप पीसी हुई खटाई है आपके पास तो आप उसको 2 टेबल स्पून ले सकते हैं, डिपेंड करता है, पहले टेस्ट कर लीजिए कितना खट्टा है कितना नहीं खट्टा है। तो सारे मसाले को जितना भी है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ। अभी ये तरोइयाँ हैं, तरोइयों को आपको छीलना नहीं है, इसमें आपको करांच लेना है, धोने के बाद भी आपको इसको करांचना है, छीलना नहीं है, नहीं तो बेचारों के में कुछ बचेगा ही नहीं, बेचारों की जान बचेगी ही नहीं, इसलिए इनको करांच लेना है इस तरह से। और फिर उसका जिसको धो लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको ऊपर से टिप से और नीचे इनको 1 सेंटीमीटर छोड़ के चीरा लगा लेना है, कट कर लेना है, और जिससे कि फिर उसके बाद इनको फिल करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे जो मसाले थे ना वो हमने भून लिए, जितने भी मसाले थे वो हमने लो फ्लेम में भून लिया, और बस सिर्फ महक आना शुरू हो ना, आप चटकने पटकने का इंतजार मत करिएगा, सिर्फ महक आना शुरू हो बस तुरंत आप निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद उसको हम मिक्सी में आप जो मसाले हैं सारे मसालों को आप ग्राइंड कर लीजिए, तो वो दरदरा मीन्स के पीस लीजिए। अब देखिए मैं कट यहाँ पर लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैं हाथ से फैला ले रही हूँ जिससे कि इजली रहेगा भरने में। अब यहाँ पर देखिए मैंने मसाले जितने भी भुने थे सब मैंने यहाँ पर लिया, और मिक्सी में इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी तो दरदरा पिस जाएगा। अब ये दरदरा पिस चुका तो यहाँ पर मैं लहसुन डाल रही हूँ 4-5 कलियाँ, मूंगफली के दाने मैंने डाल दिए, और जो खटाई थी वो मैंने डाल दी, 1 प्याज मैंने यहाँ पर डाल दिया, ज़्यादा नहीं भरना, 1 प्याज डाल दिया, और मैंने 4 हरी मिर्च डाल दी। तो हरी मिर्च ये कड़वी थी इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तो 4 हरी मिर्च में इनफ हो गया। अगर आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्च में ही हो गया था, कोई ज़रूरी नहीं है एक्सेस में कुछ चीज़ें डालना। फिर यहाँ पर मैंने धनिया लिया हुआ है, तो धनिया ये हमारे यहाँ बिल्कुल फ्रेश फ्रेश धनिया मेरे ही प्लॉट से आई हुई थी, हमारे प्लॉट से, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, तो 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली हुई है, 2 टीस्पून मैंने नमक डाला हुआ है तो नमक भी इसमें डाल दीजिए, और 1/2 टीस्पून मैंने हींग डाला हुआ है। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में हैं, आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे मैं बता रही हूँ तो आप उससे भी समझ सकते हैं। इस तरह से बनाइएगा, मैं यकीन बता रही हूँ आपको कि एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ किस तरह से बनती है आप मुझे ये भी बताइए, फिर मैं उस तरह से भी लेकर आऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी इनको डाल लिया, अब मैं इसको पीस लूँगी। तो जब आप पीस रहे ना, एक दो बार आपने चलाया, फिर उसके बाद चम्मच से आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, फिर आप चलाइएगा तो बढ़िया दरदरा अच्छे से पिस जाएगा। तो ये देखिए पूरा मसाला पिस चुका है, इसमें नमक सब कुछ मिला हुआ, अब हमें सिर्फ क्या करना है, तरोइयों को भरना है। तो तरोइयों को भरने में आप कंजूसी मत करिएगा, बिल्कुल ठूंस ठूंस के भरिएगा, अच्छे से इनको फिल करिएगा, कोई भी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है कि कम भर दिया, क्योंकि जब आप कोई चीज़ भर के बना रहे हैं ना तो बिल्कुल अच्छे से बनाएं। तो यहाँ पर देखिए मैं तरोइयों को भर रही हूँ, इतनी मैं भर चुकी हूँ जो वहाँ पर प्लेट में है, और अभी मैं यहाँ पर भर रही हूँ बहुत अच्छे से, और जो मसाला बचेगा ना उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए हमारे बेटू जी आ गए हैं, वो हमसे बातें कर रहे हैं, कुछ हमें ज्ञान बता रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही थी मैं भूल भी गई क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ ज्ञान तो मुझे बता ही रहे थे। तो यहाँ पर मैं सारी इस तरह से मैंने भर ली हैं, अब मैं इनको तेल में जाके फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ करूँगी, आप कौन सा आपके यहाँ जो लोकल का तेल है उसमें, लेकिन सरसों के तेल में बहुत अच्छे बनके तैयार होती हैं, तो सरसों के तेल में बनाऊँगी, बहुत अच्छी बनके ये तैयार होंगी। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। इस समय मौसम आ रहा, मौसम की चीज़ों मौसम में मतलब ये आ रही हैं तरोइयाँ, तो जो मौसम की चीज़ें होती हैं ना, सीजनल चीज़ें, वो बनाओ बहुत अच्छी लगती हैं। तो इनको तो बढ़िया रहता है, आप बना लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, बढ़िया आराम से ये 4 दिन तो
आराम से चली जाएंगी, बहुत आराम से ये चल जाएंगी। तो इस तरह से बना के आप फ्रिज में रख लीजिए, एक बार बना लीजिए बस, अब इनको फिर खाइए आराम से। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला, बहुत सरसों का तेल भरना नहीं है, 3-4 टेबल स्पून बस आप डालिए, बस ज़्यादा इसमें नहीं सरसों का तेल चाहिए होता है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून। अब इनको मैं ऐसे देखो एक एक कैसे मैं बिल्कुल सेट करके मैं प्लेस कर रही हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं बेस में नहीं आ रही तो आप ऊपर रख दीजिए, अब फिर बाद में अलट पलट होंगी, अब बहुत अच्छे से पक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना मसाला था मैंने वो भी डाल दिया, और जो मिक्सर में जो मसाला चिपका हुआ था उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल के मैंने वो हल्का सा वो डाल दिया उतना, और इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है। और फिर उसको ढक के रख दीजिए, फिर उसको अलट पलट कर लीजिए, आराम से कर लीजिए हल्के हाथों से अलट पलट इनको, और 2-3 बार करिए अलट पलट, और 10 से 12 मिनट में ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और आपको लो से मीडियम फ्लेम में इनको पकाना, बहुत ज़्यादा धीमे भी मत कर दीजिए ना, बहुत ज़्यादा तेज, लो से मीडियम फ्लेम में, कम आँच में, कभी ज़्यादा आँच में ऐसे करके पकाइएगा। और जब लास्ट में आपको पकाना है थोड़ी सी आँच जो है वो तेज़ कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बनके हो गई तैयार।